गत रविवार इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में नौजवानों द्वारा करवाई जा रही मैराथन में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों के भाग लेने के बाद किसान और भाजपा आमने सामने थी। वहीं माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जिससे मैराथन रद्द करनी पड़ी। हिंदू सुरक्षा समिति चेयरमैन पंजाब सुरेंद्र मन्हास ने कहा है कि किसानों की आड़ में कुछ शरारती तत्वों द्वारा मैराथन रुकवाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि विरोध ही करना है तो भाजपा नेताओं का करें। नौजवानों द्वारा आयोजित मैराथन रुकवाना बेहद निंदनीय है। आज अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति वालों और हिंदू तख्त वालों सांझे तौर पर एक जड़ी बैठक की गई है, क्योंकि अखवाने दे विच जड़ी मैराथन दौड़ जड़ी हो रही थी, उहदे विच जड़ी किसानी अंदोलन दे विच जड़े शरारती अंसर ने उन्होंने जड़ा उत्थे खलन पाया, असीं उहदी पुरजोर निंदा करने आ और SSP साहब अगे मंग करने आ कि उह जिहड़े भी अंसर उहदे पिछे ने उन्हां अंसरां दे उत्ते जड़ी आ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले एक दो दिन पहले जड़ी इंडस्ट्री एरिए दे विच मैराथन प्रतियोगिता का जिहड़ा एक प्रोग्राम सीगा, साडा इस चीज़ ना कोई लेना देना नहीं भी वह किस पार्टी ना रिलेटड सीगा। अगर वह दौड़ बच्चों की मैराथन दौड़ सी जिहदे च लड़के और लड़कियां ने हिस्सा लिया, कुछ शरारती तत्वों द्वारा उहदे विच आके खलल पाना और शरेआम दहशत का जिहड़ा नंगा नाच किसानां दे आड़ दे विच कीता गया, मैं फिर एक बारी कहना चाहना कि किसान अंदोलन की आड़ दे विच जिहड़ा ओ गुंडागर्दी का नंगा नाच कीता गया, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति उहदी पुरजोर जिहड़ी निखेधी करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हुंदा उहदे विच ओ जा के किहो जिहा खलल पाउंदे ते चलो कोई किसे नूं कोई इतराज़ नहीं हैगा। तिरंगे झंडे का जिहड़ा अपमान भी करन दी कोशिश की गई, लेकिन उत्थों दी जिसले उत्थे जिहड़ी फोर्स साढ़े पंजाब पुलिस के जवान जिहड़े ड्यूटी कर रहे सीगे उन्हां वल्लों उह रोकिया गया। मैं प्रेस के माध्यम राही लोगों के ध्यान च एक गल लिया देना चाहना कि जिहड़े उत्थे एक दो आगूआं ने ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਭੜਕਾਊ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। अगर उन्होंने इन्ना ही किसानों का ध्यान है तो वह विधायक दी कोठी घेरन या उहदे प्रोग्रामां च बाईकाट करन, बच्चों की इस दौड़ नू इस अच्छे काम नू उन्होंने डिस्टर्ब किया जिहदी असीं पुरजोर जिहड़ी निखेधी करने आ। प्रशासन ने उन्होंने परचा ना दर्ज किया ते हिंदू सुरक्षा समिति उन्होंने खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन करेगी जिहदी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। एक गुरविंदर चावला जिहड़ा कि पठानकोट का रहने वाला, एक कोई राणीपुर तो लीडर है जिन्हां दी कोई जमीन भी नहीं हैगी, पर उहदे बावजूद भी वह किसान नहीं जिहड़ा जामा पहन के गलत जिहड़ी कारवाइयां कर रहे। मैं मंग करना कि उन्हां दे तुरंत जिहड़ा FIR दर्ज करनी चाहीदी है और परचा दर्ज होना चाहिए। सिया इंटीरियर अब आपको पठानकोट शहर में लाकर दे रहा है आपके सपनों के घर को सजाने का डेकोर मटेरियल। सिया इंटीरियर यहां आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर, ड्राइंग एंड लिविंग रूम डेकोरेटिव इंटीरियर और भी बहुत कुछ जो आपके ड्रीम हाउस को बनाएगा सबसे खास, क्योंकि आपका घर खूबसूरत फर्नीचर और इंटीरियर के बिना अधूरा है। सिया इंटीरियर एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम जहां सिर्फ घर को ही नहीं सपनों को सजाने की बेहतरीन कलेक्शन मिलती है जो आपके घर को बनाएगा दूसरों से सुंदर और आकर्षक। तो सिया इंटीरियर पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हैप्पी फर्नीचर एंड इंटीरियर टू यू। रागी होम डेकोर गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल सीलिंग फर्नीचर एंड डोर पैनल एन एलिगेंट लुक। एक्सपर्ट इन UV PVC वॉल
वॉलपेपर्स, पार्टीशन जाली आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे। वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट।